हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करेंगे एक और अनदर वीडियो पे, मौलाना जजीज अंसारी जी की वीडियो। हमने काफ़ी टाइम बाद इनकी वीडियो की है, तो दो वीडियो है ये लगातार हमने कर दी। इससे पिछले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, बहुत अच्छी वीडियो है। उसके अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है और राम सीता के ऊपर कहा था और काफ़ी चीज़ें थी। मैंने उसमें अपनी राय दी है, आप लोग ज़रूर देखिएगा उसे। इसके पीछे इसके आप आई बटन में लिंक दे दूँगा, आप देख सकते हो। बाकी आज की जो वीडियो है, आज की भी हिंदू धर्म से रिलेटेड है, जो कि हिंदू धर्म की शादी के बारे में है और शादी में सात फेरे क्यों लिए जाते हैं ये बताया गया है। देखो यार, सात फेरे मतलब सात जिंदगी होती है और सात वचन इस तरीके से हमारे धर्म में तो ये मान्यता है, लेकिन ये इनका क्या राय है उसके बाद में लास्ट में आपसे हम इनके बारे में बात करेंगे, इनकी राय हम अपनी राय देंगे कि इन्होंने क्या बोला है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली अगर कुछ गलत है तो वो गलत है। ज़्यादातर धार्मिक चीज़ें में हम इस तरह से नहीं, हम किसी और के धर्म के बारे में ऐसे नहीं बोलते, बट हाँ वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या बात है और उसके बाद हम आपसे बातें करेंगे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाना प्लीज़। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हिंदू धर्म में सात सात जन्म है ना, कहते हैं सात जन्मों तक हम तुम्हारे रहेंगे। ये वैसे कहने के फेरे लगाए जाते हैं औरत के, जब शादी होती है पति के साथ कितने फेरे लगते हैं? सात। सात फेरों का मतलब जानते हो? सातों जन्म तक मैं तुम हमारी हो, हम तुम्हारे हैं। सातों जन्म हिंदू धर्म में सातों जन्म, जबकि मालूम नहीं है कि अगला जन्म किसका होगा, वो तो लेकिन सात जन्म है हिंदू धर्म में। वेद मना कर रहा है, वेद कह रहा है एक दूसरा ही जन्म होगा। मनुस्मृति और भागवत पुराण वगैरह कहते हैं कि सात जन्म होंगे, लेकिन वेद मना करता है। वेद कहता है सात जन्म है ही नहीं, एक ही जन्म है, मरने के बाद दूसरा जन्म जिसको पुनर्जन्म कहते हैं, कब्र से दोबारा उठना। ये पुनर्जन्म को हम भी मानते हैं, दोबारा जीवित होना हम भी मानते हैं मरने के बाद, लेकिन आवागमन के हम कायल नहीं हैं। आवागमन, आवागमन चोरी करोगे तो बिल्ली बनोगे, ये तो जुआ खेलोगे तो भैंस बनोगे, ये हिंदू धर्म में आवागमन है। ये अच्छे कर्म करोगे तो इंसान और बुरे कर्म करोगे तो कुत्ता बिल्ली चूहा बंदर छछूंदर, ये तो नहीं मानते। पता यहाँ तक लिखा हुआ है कि ये गुनाह करोगे तो आलू बनोगे, ये करोगे तो कद्दू बनोगे, ये करोगे तो कटहल बनोगे। कटहल वो सारी हमें याद थोड़ी है, लेकिन चार तो ऐसे गुना हमें याद हैं जो मनुस्मृति के बारे में अध्याय में हैं। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, चोरी करोगे तो नहीं, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा, चोरी करोगे तो बिल्ली का जन्म होगा, और किसी लड़की पर अगर गलत नज़र डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये हिंदू धर्म में चार हैं तो बहुत, पूरी एक लिस्ट है, लेकिन हमें चार ही याद हैं। और भी लिखा है, ये करोगे तो चावल का होगा, ये करोगे तो हरा धनिया बनोगे, ये करोगे तो हरी मिर्चे बनोगे। ये कब लिखा है? ये मैंने पहली बार सुन रहा हूं, ये चीजें मैं पहली बार सुन रहा हूं। पत्ता गोभी, दाल, चावल और घी चीनी शक्कर सब लिखा है, लेकिन ये कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, थोड़ी सी अकल दौड़ाओगे तो आप गिर जाओगे। जुआ खेलोगे तो भैंस का जन्म होगा, उल्टा मफहूम निकालो, जुआ न खेलोगे तो भैंस का जन्म नहीं होगा। इसका मतलब दुनिया में जितनी भैंसे हैं ये पहले इंसान थी, जुआ खेलते थे और ऐसा थोड़े, ये तो मतलब हुआ पहले इंसान थी, इन्होंने जुआ खेला होगा तो इनको भैंस का जन्म हुआ है। अगर दुनिया में कोई आदमी जुआ ही ना खेले तो फिर भैंस का जन्म नहीं होगा, और भैंस का जन्म नहीं होगा तो दूध नहीं मिलेगा, घी नहीं मिलेगा, मट्ठा नहीं मिलेगा, दही नहीं मिलेगा, छाछ नहीं मिलेगा, पनीर नहीं मिलेगा। पनीर भी मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं, ये सारी नियामतें खाना है तो जुआ खेलो, यही तो नतीजा निकलता है। ऐसा कुछ नहीं है यार, ऐसा नहीं होता। तो ये कुछ समझ में आने वाली बात है? किसी लड़की पर गलत नज़र डालोगे तो अगला जन्म लड़की का होगा। ये जलसे में जितनी आई हैं ये सब पहले मर्द थी, इन्होंने किसी लड़की को गलत नज़र से देखा होगा तो इनको लड़की का जन्म हुआ। ऐसा भी नहीं है यार, ये सब लिखा नहीं है। दिमाग से सोचो कि अगर दुनिया में कोई आदमी किसी को गलत नज़र से ना देखे,
सबको माँ बहन बेटी की नज़र से देखे और कोई गलत नज़र न डाले तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर लड़की का जन्म ही नहीं होगा। अगर लड़की का जन्म नहीं होगा तो फिर बच्चे कहाँ से पैदा होंगे, नस्ल कहाँ से बढ़ेगी? योगी जी तो खुद ही संन्यास लिए बैठे हैं, मोदी जी की है ही नहीं। जबरदस्ती जिन्होंने प्यार किया वो आसाराम बने बैठे हैं। सही बात है यार। तो अब आप बताइए फिर नस्ल कहां से बढ़ेगी? एक दिमाग लगा के सोचिए, अकल में आने वाली बात है। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबिल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महाप्रलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है, न पुत्र पिता को देखेगा न पिता पुत्र को देखेगा, बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबतीही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मीही व अबीही, एक इंसान अपनी माँ से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, वह साहिबती ही वह बनी ही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। भाई एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी माँ को देखेगा भागेगा कि मेरी माँ मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। नेकी अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है, उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी ना मांग बैठे। यौम यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मीही व अबीही व साहिबती व बनी। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का ना होगा, पिता अपने पुत्र को ना देखेगा। मेरे भाइयों ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद, जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है, मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्म भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशकं का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा न चौथा न पांचवा न छठा न सातवां न आठवां न नवां न दसवां, यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। अभी दज्जाल फशरुगा इबियुन तजर, दज्जाल के आने से पहले, सूरज दज्जाल से पहले नेक अमल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे तब नेक अमल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में, ये छठी चीज है। और सातवीं चीज, अब फसात वधावा मर, क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमल कर लो, कयामत के आने से पहले। मेरे भाइयों कयामत के आने से पहले नेक अमल, वो कयामत। यूपी का जब चुनाव होगा, और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ,
तो चार चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन पांचवी चरण का या छठी चरण का जब चुनाव होगा तो उसमें ये लहर बहुत तेजी के साथ आएगी, और ये आएगी नहीं लाई जाएगी, और लाने वाले दो ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा। मोदी और योगी के बारे में बहुत बोलते हैं यार, आप समझ गए हैं, समझदार हैं मेरे भाइयों। देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी, ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है, क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, बंगाल से हार गए थे पर यूपी से तो इजीली जीत गए। सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं, इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय, इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी, चुनाव के दो तीन चरण हो जाने के बाद चौथे या पांचवे चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी, किसकी तरफ से फैलेगी, और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी मीडिया वाले, और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहते हैं, मीडिया के बारे में वो अच्छी तरीके से जानते हैं, जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी, और उसी में सब घड़पड़ और सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौत अनमुजिजा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है, उस मौत के आने से पहले मैं इबादत कर। ओके वेल, इन्होंने शुरू में कुछ और बोला था, मतलब राम और सीता के बारे में या फिर सात फेरों के बारे में क्या बोला था वो है, और बाद में फिर ये मोदी जी और योगी जी और चुनाव पे चले गए थे, पुरानी वीडियो डेफिनेटली, लेकिन सात फेरे ऐसी बात नहीं है, सात जन्म, और सात जन्म के लिए, सात जन्म के बारे में उन्होंने काफ़ी बताई, सात फेरे क्यों लिए जाते हैं, सात जन्म ऐसा कुछ नहीं है, बट दूसरा जन्म भी हम यकीन नहीं करते इस तरह की, और ये कि ये कर्म करोगे भैंस बनोगे कुत्ते बनोगे ये कुछ नहीं होता, ये सब कहने की बात है, बकवास बुलशिट। और डेफिनेटली मोदी और योगी के बारे में देखो, बंगाल से हार गए थे वो चुनाव पुरानी बात है, लेकिन अब हमें तो पता है ना यूपी से तो इजीली जीत गए थे, और डेफिनेटली आप लोग बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, लेकिन वीडियो काफ़ी समझदार वाली थी, इनकी बातें जो स्टार्टिंग में बताया था सात जन्म वाली लेके वो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, और बहुत समझदार थी। आप लोग कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो पसंद हो तो, और वीडियो को शेयर करना ना भूले। फिलहाल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।